प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। जो लोग बैठे नहीं हैं प्लीज़ आप बैठ जाइए, जगह देख लीजिए, कुछ दिक्कत है तो वॉलेंटियर्स को बताइए। ओके, आइए तब तक हम आंखें बंद करते हैं, अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को शांत करें, हर एक उन बाधाओं से, उलझनों से जो पारिवारिक है, सांसारिक है, घर पे, जॉब पे, कुछ भी ऐसी बातें हैं, उन सब से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने हृदय को शांत करें, मन को शांत करें और प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। कहिए प्रभु से कि प्रभु आज तू व्यक्तिगत रूप में मुझसे बात कर, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है और वचन से ही कार्य होता है, क्योंकि वचन वो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो दो धारी तलवार के समान है जो हर एक उन बातों को जो हमारे जीवनों में से दूर होनी चाहिए उसको काटता है और हमें एक शुद्ध करता है, ताकि जैसे वो द्राक्ष का वेला जैसे शुद्ध होकर फल लाता है, हम भी हमारे जीवनों में फल लाए। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में हम सब आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। पिता, हम सबको क्षमा करें, हमारे परिवारों को क्षमा करें, वाणी, वर्तन, विचार, व्यवहार से हमने आपके सन्मुख पाप किया है, आपके स्वर्ग के विरुद्ध में हमने पाप किया है, हमें क्षमा करें। पर प्रभु, आज हम फिर से तेरी आवाज़ को सुनने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार है। प्रभु तू आज हमसे बातें कर, पवित्र आत्मा, सामर्थी आत्मा, आज तेरे सामर्थ को उंडेल, हमारे हृदयों को तू खोल। प्रभु ऐसे कठोर हृदय है तो आज वो टूट जाए और प्रभु तेरे लहू से नया हृदय बने, नया हृदय वो बंध जाए और प्रभु हम तेरे कार्यों को, तेरे महिमा को हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह नाज़री, आज फिर से एक बार तेरे पश्चाताप के सामर्थ के विषय में सुनने के लिए, समझने के लिए और हमारे जीवन में उसका आचरण करने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में, आमीन। बीते समय में जिस विषय पर हमने बातें की थी, पश्चाताप का सामर्थ्य, उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए पश्चाताप का परिवर्तनकारी सामर्थ्य, बोले सब, पश्चाताप का परिवर्तनकारी सामर्थ। हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन को यदि हम देखें तो हमारा यह पृथ्वी पर का जीवन एक तैयारी है और उसके साथ साथ एक टेस्ट है कि जो हमारा अनंत काल तय करेगा, है ना। इस पृथ्वी पर का जीवन है वो तय करेगा कि हमारा अनंत काल कहाँ पर होगा, हम अनंत काल कहाँ बिताएंगे, किसके साथ बिताएंगे। और हमारे इस जीवन के दौरमियान नहीं, कई बार हम अफसरों को मिलते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, ऐसे ही हम नहीं जा सकते, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना। तो हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में दो अपॉइंटमेंट ऐसी है जो आपको पूछे बिना आएगी, एक है मृत्यु और दूसरा है न्याय। बोलिए, मृत्यु और न्याय। मृत्यु क्या पूछ कर आती है? तो दो अपॉइंटमेंट हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी है जो आपको बिना पूछे आएगी, मृत्यु और न्याय। शायद मृत्यु के लिए नहीं, कोई भी तैयारी नहीं करता कोई नहीं करेगा, कोई करना भी नहीं चाहेगा, पर न्याय उसके लिए हम सबको तैयारी करनी है ना। ऐसे ही हम परमेश्वर के उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो सकते। कभी भी इस संसार से जाना पड़े, हालांकि हम जाएंगे नहीं, अभी बहुत काम बाकी है ना, परमेश्वर का बहुत कार्य करना है, हमारे अपने आप के जीवन को तैयार करना है और परमेश्वर के कार्य को भी आगे बढ़ाना है, पर उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए दूसरी जो अपॉइंटमेंट है, जब हमें न्याय सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने आप को व्यक्तिगत रीति से तैयार करना पड़ेगा। और उसको तैयार करने के लिए क्यों जरूरी है, क्या सच में हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे? निकालिए दूसरा करिन्थियों की पत्री, दूसरा करिन्थियों की पत्री 5:10 यों कहती है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के
न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। न्याय आसन के सामने, और किसके न्याय आसन के सामने? मसीह के न्याय आसन के सामने हम सब को खड़ा रहना है। दंड आज्ञा जो मसीह में होंगे उनको नहीं है, पर न्याय आसन के सामने सबको खड़ा रहना पड़ेगा। आज का जो वचन है प्यारो, वो हर एक उन मसीही के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं। यदि ऐसे कोई व्यक्ति है कि जिसको अपने उद्धार के विषय में निश्चितता नहीं है कि मेरा उद्धार हुआ कि नहीं, मैंने पापों की क्षमा पाई है कि नहीं, और कई ऐसे व्यक्ति जिसको यह निश्चय है, वो अपने मन में अपने हृदय में ऐसे निश्चिंत है, उनको निश्चय है कि हाँ मैंने प्रभु यीशु मसीह में अपने पापों की क्षमा पाई है, मैंने उद्धार पाया है, पर प्रभु के साथ मैं चलना चाहता हूँ, प्रभु एक दिन आएगा जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहता हूँ, तो उन सभी के लिए आज का वचन है। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। बोलिए, सच्चा पश्चाताप मेरे जीवन को परिवर्तित करता है। आपको पता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का सबसे पहला स्टेप जो है वो है पश्चाताप। अभी एक अंकल, अभी वो इस दुनिया में है, जीवित है, और बीते दिनों में मैंने उनकी गवाही सुनी। वो मसीही नहीं थे, वो प्रभु को जानते नहीं थे, जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको पता नहीं था, पर उनके जीवन में बीमारी के दरमियान बेड रिडन वो हो गए, और वहाँ पर नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, मतलब वो इस संसार के लिए वो मर ही गए थे, पर वापिस उनमें जान आई। और उस बीच में जो घटना घटी वो यह थी, उसका नाम है संतोष, वो उनको खुद को सैंडी कहते क्योंकि वो फॉरेन में रहते, संतोष एचर्जी, इंडिया के ही है बेसिकली, पर अभी वो कई सालों से वो फॉरेन में रहते हैं। उस नियर टू डेथ एक्सपीरियंस में वो देखते हैं अपने आप को कि एक बड़े गेट के सामने वो खड़े हैं, और उनको, क्योंकि इस संसार में हम नहीं स्वर्ग और नरक के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि क्या ये वास्तविकता है, पर प्यारो एक ऐसा व्यक्ति जिसको बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता ही नहीं है, वो जब इस डेथ एक्सपीरियंस में से पसार हुआ तो वो अपने आप को देखता है कि एक बड़े गेट के सामने वो खड़ा है। वहाँ अलग अलग 12 गेट उन्होंने देखे, और वो जिस जगह पर खड़ा है वहाँ बाजू में ही एक खाई है और नीचे धधकती हुई आग है, और वहाँ पर जो खड़ा है वो देख चाहता है कि इस सुंदर सी जगह, वो बाहर से ही उनको अलौकिक लगती है, सुंदर लगती है, वो चाहता है कि इस सुंदर सी जगह में मैं जाऊँ, पर वहाँ कोई गेट उनके लिए खुला नहीं है, एक भी द्वार उनके लिए खुला नहीं है। और वो वहाँ पर देखता है एक बड़ी सी आकृति, क्योंकि वो उनको जानता नहीं है, वो बाद में उनको जानने लगे, है ना, तो वो देखता है कि बड़ी सी आकृति वहाँ पर है, अपने न्याय सिंहासन पर बैठी है, और वो उनके सामने उनके पैरों के तले एक छोटा सा गेट है, वो सिर्फ खुला है, पर वो कैसे वहाँ पर जाएगा, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और वो जो बड़ी सी अलौकिक आकृति है, तेजोमय आकृति है, उसके साथ वो बात करता है, और प्रभु उनको कहते हैं, बाद में उनको पता चला कि ये प्रभु परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह थे, हालेलुया। वो उनसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तू वापस जा, अपने परिवार को और अपने बच्चों से प्यार कर, अपने परिवार को और अपने बच्चों से प्यार कर, क्योंकि हो सकता है उनके जीवन में कहीं ना कहीं उसमें कमी घटी रही होगी। उसके जीवन के बारे में हम नहीं जानते हैं कि कहां पर उनको पश्चाताप की आवश्यकता है, पर पश्चाताप के बिना, अपने जीवन को सुधारे बिना, वो स्वर्ग के गेट उनके लिए बंद थे। प्यारो, स्वर्ग का राज्य, उसके जो गेट है, उनके जो दरवाजे हैं, उसमें प्रवेश करना पश्चाताप के बिना संभव ही नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो पश्चाताप है। प्रभु के एक बहुत बड़े दास हो गए, आज भी वो जीवित है, और परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया में, आज की पूरी दुनिया में उनके द्वारा बड़े बड़े काम किए, और पवित्र आत्मा का जो
टीचिंग है वो उनके द्वारा कई जगह तक पहुंचा और उनके उनकी सेवकाई के द्वारा उनकी मीटिंगों में जो परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रीति से कार्य करता था उस सामर्थ्य को लोगों ने देखा, पवित्र आत्मा को और भी अच्छे तरीके से लोगों ने पहचाना उस सेवक की सेवकाई के द्वारा, उस पास्टर की सेवकाई के द्वारा। उनके जीवन में भी कुछ ऐसे मोड़ आए, कुछ ऐसे पड़ाव आए, एक समय आया कि परमेश्वर उनको उनके न्याय सिंहासन के सामने वो खड़े होते हैं, क्योंकि सृष्टि पर से वो जाने वाले थे, उनको ऐसा लगा। और दर्शन में वो अपनी बातों को वो दर्शन में बताए थे कि मैंने ऐसा देखा और प्रभु ने उनसे बात की। पूरा पूरा जीवन उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की थी, पर उनके जीवन में जो भी कमी घटियाँ थी वो परमेश्वर जानता था, और परमेश्वर ने उनको कहा कि तुझे वापस जाना होगा, क्योंकि जो जो बातें थी उनके विषय में प्रभु ने उनसे उनके साथ बात की, और वो यहाँ पर फिर से जो नई जिंदगी उन्होंने शुरू की, जो जो कमी घटियाँ थी, जो जो बातों के उनको प्रायश्चित करने की आवश्यकता थी, पश्चाताप करने की आवश्यकता थी, वो उन्होंने किया, और आज फिर से उनकी सेवकाई अद्भुत रीति से चल रही है। प्यारो, मैं मेरे बारे में सोच रहा था जब उस सेवक के बारे में मैंने सुना था। हम सब अपने आप के बारे में सोच सकते हैं, क्या सच में हम उस स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार है? क्या ऐसी कोई बातें हैं, कैसी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आज भी हमें आवश्यकता है कि हम पश्चाताप करें? एक सच्चा पश्चाताप आपकी जीवन की दिशा को बदल देता है। एक सच्चा पश्चाताप जब आप करके जीवन जीना शुरू करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में प्रेम, शांति, उद्धार का आनंद और परमेश्वर के साथ का जीवन, एक पारिवारिक आनंद परमेश्वर आपको देगा। यहाँ तक कि परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा बनाएगा, नया जीवन ऐसा बनाएगा कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। पर कब? जब एक सच्चे पश्चाताप के साथ हम जीवन जीना शुरू करेंगे। आप परमेश्वर से और भी प्यार करोगे और उनके संग जियोगे, है ना? आखिर में परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ जीने के लिए। मसीही जीवन में पश्चाताप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज आपके जीवन में हो सकता है कई सारी बाधाएं हो, कई सारी उलझनें हो, कई ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिसका आज भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है। प्यारो, उनकी शुरुआत, उस सॉल्यूशन की शुरुआत पश्चाताप से होगी। पश्चाताप वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आइए हम पश्चाताप के सामर्थ्य के बारे में, क्योंकि हमने बीते दिनों में कुछ बातें सीखी थी पर कई बाकी बातें थी जो बाकी थी, आज हम उसको पूरा करेंगे। पश्चाताप का परिवर्तनकारी सामर्थ्य। तो सबसे पहला, पश्चाताप से मुक्ति मिलती है। बोलिए मेरे साथ, पश्चाताप से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। परमेश्वर ने इस संसार में अब्राहम के द्वारा एक बड़ी कौम को खड़ा किया, है ना? उसको चुना और उसको उस समय पे उनको चुना हुआ वंश कहा था। नए नियम में हर एक मसीह व्यक्ति जो प्रभु यीशु, क्रिश्चियन नहीं है ना, मैं क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं कर रहा, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, वो हर एक व्यक्ति नए नियम में परमेश्वर का चुना हुआ वंश, राजमान्य याजक वर्ग और राजपद अधिकारी है, है ना? पर पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक वंश को चुना और उस वंश को चुना, उनको वचन के देश में ले गया, उनको आशीषित भी किया, पर परमेश्वर खुद उनको टेढ़ी प्रजा बोलता है कि आप टेढ़ी प्रजा हो। क्यों? क्योंकि जब जब वो आशीषित होते थे, हर बार जिस परमेश्वर ने उनको चुना है, जिस परमेश्वर ने उनको आशीष दी है, उस परमेश्वर को वो भूल जाते थे, उस परमेश्वर से वो मुंह में मोड़ लेते थे। बाइबल ऐसा लिखती है कि पराए देवों के पीछे वो गई। पराए देव मतलब, देखो, प्रभु यीशु मसीह के सिवा, परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हर एक मूर्ति और प्रतिमा, शास्त्र ऐसा कहती है कि जिसको मनुष्यों ने बनाया है, जो उठ नहीं पाती, जो चल नहीं पाती, जो देख नहीं पाती, वो ईश्वर है ही नहीं, पर मनुष्य उनको ईश्वर कहते हैं, है ना? और एक परमेश्वर है जिन्होंने इंसान को बनाया है। वो टेढ़ी प्रजा, वो चुना हुआ वंश, उस समय का अब्राहम का वंश, वो हर बार परमेश्वर को भूल जाती थी, मूर्तियों के पीछे, पराए देवों के पीछे चली जाती थी, और उसके कारण ही वो अपने ऊपर दंड पाती थी, और जब भी वो दुख,
कष्टों में, और फिर से एक ऐसा राजा उनके सामने आ जाता था, उनके ऊपर आ जाता था जो उनको कष्ट देता था। और जब जब वो दुख में, पीड़ा में, उत्पीड़न उन पे आता था, वो फिर से जिस परमेश्वर ने उनको चुना था उसको याद करते थे, पश्चाताप करते थे, और परमेश्वर जो कि दयालु परमेश्वर है, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अपनी दया के कारण, अपने प्रेम के कारण उनको क्षमा करके फिर से उनको उस दुख और दर्द में से निकालता देता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। वो सच में उनके दुखों को आनंद में बदल देता था। क्यों? पश्चाताप के कारण। पश्चाताप हमारे जीवन में छुटकारा लाता है, पश्चाताप हमारे जीवन में मुक्ति लाता है। उनके पश्चाताप के कारण ही परमेश्वर ने उनको हर बार छुड़ाया, उनको आज़ाद किया, उनको स्वतंत्र किया। वो इसराइली कौम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। पश्चाताप ने इसराइली लोगों को हमेशा छुटकारा दिलाया। प्यारो, आपके जीवन में ऐसे कौन से बंधन हैं जिससे आप आज छूटना चाहते हो? ऐसी कौन से दुख है, ऐसी कौन सी पीड़ाएं हैं जो आज भी आपके साथ जुड़ी हुई है, जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है? एक ही रास्ता है, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए, उनके साथ चलना शुरू करे। वो हर एक आपकी पीड़ाओं को दूर करेगा और आपके उनके आनंद में आपको चलाएगा। हालेलुया। दूसरा, पश्चाताप शारीरिक चंगाई को लाता है। बोलिए मेरे साथ, पश्चाताप शारीरिक चंगाई को लाता है। हम सभी नहीं अच्छा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में कोई बीमारी हो, मेरे शरीर में कोई रोग हो। हम एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, पर उसकी शुरुआत भी पश्चाताप से होती है। यदि कोई बीमार है तो पश्चाताप से उनकी शुरुआत होगी। यशाया नबी की किताब उसके 38वें अध्याय में पहली आयत से 5वीं आयत, वहाँ पर एक हिजकिया राजा और परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता था यशाया, है ना, उनके बीच की बात है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। यस, वहां पर परमेश्वर अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता यशाया को इस हिजकिया राजा के पास भेजता है। कौन सा संदेश लेकर? पता है, मृत्यु का संदेश लेकर, कि भाई तू मरने वाला है। और वहां पर जो हिजकिया राजा है, यशाया 38 का 1 हम पढ़ेंगे, उनके पास जो वचन आया, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। उनको तो डेथ रिपोर्ट मिला था, मृत्यु का समाचार मिला था, और वो भी भविष्यवक्ता के द्वारा। पर वहां पर वो हिजकिया राजा, उन्होंने पश्चाताप किया, वो परमेश्वर के सामने रोया, खुद को वो नम्र करता है, अपने आप को वो दीन करता है, और परमेश्वर वहाँ पर उनको चंगा करता है। उतना ही नहीं, पर उनके जीवन में और 15 साल ऐड कर देता है। एक राजा जो मरने वाला था, खुद परमेश्वर ने ये संदेश उनके पास भेजा था, जब वो हिजकिया राजा पश्चाताप करता है, परमेश्वर उनको नया जीवन प्रदान करता है, उनको चंगा करता है। उतना ही नहीं, पर नया जीवन, और वो नया जीवन उनके लिए 15 साल का था, कि ले तुझे मैं और 15 साल तेरे जीवन में ऐड करता हूँ, प्रदान करता हूँ। पश्चाताप चंगाई को प्रदान करता है। तीसरी बात, पश्चाताप सुरक्षा प्रदान करता है। बोलिए, पश्चाताप सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? मुक्ति देता है। दूसरा, चंगाई देता है। तीसरा, पश्चाताप सुरक्षा देता है। निनवे नगर के बारे में आप सबने सुना है ना। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के एक दास के द्वारा, जिसका नाम योना था, यूना या योना जो भी आप बोले, उसके द्वारा परमेश्वर इस नगर में इस यूना को भेजता है और उसको चेतावनी देता है, उस नगर को, उस नगर के रहवासियों को, कि ये नगर नष्ट होने वाला है, ये नगर नष्ट होने वाला है। और परमेश्वर का दास, हालांकि वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, पर पूरी स्टोरी में हम नहीं जाएंगे, आप सब जानते हो, परमेश्वर उनको वहाँ पर भेजता है निनवे नगर, और वहाँ पर वो प्रचार करना शुरू करता है कि ये नगर नष्ट होने वाला है, यहोवा कहता है कि ये नगर अभी नष्ट होगा। पर वहाँ के लोग क्या करते हैं? वहाँ के राजा समेत
हर एक व्यक्ति, हर एक घराना पश्चाताप करता है, और परमेश्वर उसके पश्चाताप के कारण उन नगर को क्षमा करता है, वहां के लोगों को क्षमा करता है, और वो नगर नष्ट होने से बच जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उस पश्चाताप के कारण अपना मन बदल दिया, उस पश्चाताप के कारण अपना मन बदल दिया, और उस शहर को उसी पश्चाताप के कारण नाश नहीं किया। पश्चाताप परमेश्वर की सुरक्षा को प्रदान करता है। चौथा, पश्चाताप लोगों के जीवनों को बदलता है। बोलिए, परमेश्वर हमारे पश्चाताप के कारण हमारे जीवन को बदल देता है। निकी क्रूज नाम का एक व्यक्ति जो एक गैंगस्टर था, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी रन बेबी रन, और उसमें पूरे अपने जीवन की स्टोरी वो बताता है। वो एक गैंगस्टर था, पैसों के लिए किसी को भी मार देना, किसी के भी हाथ पैर तोड़ देना, वही सब उनका काम था। और भी जो बुरे काम होते हैं, ड्रग्स और अन्य जो व्यसन होते हैं, उसका हेरा फेरी और उसको बेचना वगैरह। एक दिन कोई ना कोई रीति से प्रभु के एक दास के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई कुछ बात में, और वो प्रभु के दास को मारता है, और वहाँ पर वो प्रभु का दास उनको क्षमा करता है। वो कहता है कि मैं तुझे क्षमा करता हूँ। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसे संभव है, मैंने तो इसको मारा है, इसका जैसे कि अधमुआ कर दिया है, पर फिर भी ये मुझे क्षमा करता है। और उस बात ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, और समय जाते उसको खुद के जीवन के हर एक पापों, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी उनके लिए, परमेश्वर के सामने उसने हर एक अपने पापों का प्रायश्चित किया, और उसके बाद वो प्रभु का दास बन गया, और उन्होंने किताब लिखी रन बेबी रन। और उनका पूरा एक पापोमय जीवन, पाप में बिताया हुआ जीवन, और उसके बाद पश्चाताप करके प्रभु के साथ के एक नए जीवन के बारे में वो बताता है। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है जो लोगों के जीवन को बदलता है। पर कब बदलेगा? जब हम पश्चाताप करके उनके संग जुड़ जाएंगे, पश्चाताप करके हमारे पुराने जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के संग हम चलना शुरू करेंगे। पश्चाताप के द्वारा हम नया जीवन पाते हैं, उतना ही नहीं पर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं। प्रभु अपने शिष्य के रूप में हमें बदल देता है। पश्चाताप आपके भविष्य को बदलता है, है ना? कई बार यदि कई लोगों से हम बात करते हैं, उनको उनके भविष्य के विषय में बहुत चिंताएं होती कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, क्या कभी मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। प्यारो, उसकी शुरुआत वो सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के द्वारा होगी, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमारे भूतकाल को मिटा देता है और एक नया जीवन शुरू करता है, और आपके भविष्य को वो बदल के रख देता है। पश्चाताप आपके जीवन के अंतिम पड़ाव, मतलब डेस्टिनी, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं कि आखिर में न्याय सिंहासन के सामने और उसके बाद का जीवन हमारा क्या होगा। कई लोग मृत्यु की ओर जा रहे थे, हम सभी एक समय पर मृत्यु की ओर जा रहे थे, इसीलिए बाइबल भी उसे कहती है कि हम तो मृत्यु की ओर जा रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, पश्चाताप के द्वारा हम प्रकाश के उजियाले की संतान बने, और प्रभु के जीवन में हमने जीना शुरू किया, उस अनंत काल में हम शामिल हुए। किसके द्वारा? पश्चाताप के सामर्थ्य के द्वारा। पांचवा, पश्चाताप टूटते हुए विवाहित रिश्ते को बचा सकता है और रिश्तों को पुनःस्थापित करता है। पश्चाताप रिश्तों को जोड़ता है, पुनःस्थापित करता है, टूटने से बचाता है। यदि आपके या आपके परिवार में कुछ भी ऐसी बातें हैं, प्यारो, हो सके यदि वो आप नहीं हैं, दूसरे लोग हैं आपके परिवार के, आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। देखो, परमेश्वर की कभी ये योजना नहीं है कि एक विवाहित जीवन कभी टूटे, उनको हमेशा के लिए प्रभु ने जोड़ा है ना? ऐसा कुछ भी है, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और यदि ऐसे लोग हैं कि एकदम कगार पर है कि अभी उन्होंने तय कर लिया है, अभी तो नहीं, कोर्ट में फाइनल डिसीजन आने वाला है, प्यारो, परमेश्वर का ये सामर्थ्य है, परमेश्वर की दया और कृपा इतनी महान है, वो कुछ भी बदल सकता है, है ना? कुछ भी बदल सकता है। और ऐसी कई घटनाएं, गवाहियां हमारे चर्च में भी है ना? एक समय पर ऐसे
कई लोग हैं जिनके जीवनों में प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं और वो टूटते हुए परिवार परमेश्वर के सामर्थ्य की वजह से बच गए, परमेश्वर की दया के वजह से बच गए, पर उसकी शुरुआत पश्चाताप से होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, पश्चाताप स्वर्ग के राज्य में आपके प्रवेश की एश्योरिटी, गारंटी देता है। वो भाई के बारे में नहीं, संतोष एचआरजी या आचार्य जी जो भी उनका नाम है, उनकी भी किताब है माय एनकाउंटर विद जीसस एट हेवेंस गेट, प्रभु यीशु के साथ मेरी मुलाकात स्वर्ग के दरवाजे के सामने, और उसकी किताब में उन्होंने ये सब बातें लिखी है। वो क्यों उस स्वर्ग के गेट के अंदर नहीं जा पाया? क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी कि जो इसको पश्चाताप करना जरूरी था और प्रभु यीशु मसीह में धुलकर एक नए जीवन में चलना जरूरी था, प्रभु के संग चलना जरूरी था, और वो बातें उनके जीवन में वहां पर हुई। सच्चा पश्चाताप आपके हृदय को आपके उद्धार के विषय में सुनिश्चित करता है। कई बार लोग मसीह प्रभु में आ गए, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, कई साल हो जाते हैं, फिर भी जब भी उद्धार की बात आती है उसके मन में, उनके हृदय में एक असमंजस होती है कि क्या सच में मैं उद्धार पाया हूँ, क्या सच में मेरा उद्धार हो गया है, क्या सच में मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ। प्यारो, सच्चा पश्चाताप वो आपके हृदय में एक शांति प्रदान करेगा जब भी उद्धार के विषय में बात आएगी। जब भी आपके उद्धार के विषय में शैतान ऐसी बातें डालेगा कि तेरे पाप क्षमा नहीं हुए, तेरा उद्धार नहीं हुआ, तू तो बहुत पापी था, बहुत पापी है, प्यारो पश्चाताप है जो हमारे हृदय में वो शांति देता है, वो एक अश्योरिटी देता है कि सच में हमने प्रभु के मसीह के लहू में हमारे पाप धोए गए हैं और हम प्रभु के संग जी रहे हैं, हमारा उद्धार हो चुका है। आपको पता है कि जॉन बैप्टिस्ट, जो यहुन्ना जो बाप्तिस्मा करता, उसका पहला संदेश क्या था जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की? वो एक समय था, कई साल, 350 से 400 साल या उतना समय था, वो कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई प्रबोधक नहीं था, परमेश्वर की वाणी जैसे आज प्रभु के दास आपको बताते हैं, सुनाते हैं, वैसा कोई प्रॉफिट वहां पर नहीं था, कोई परमेश्वर का सेवक नहीं था, परमेश्वर की वाणी को लोगों तक लाने वाला कोई नहीं था। और ऐसे इतने सालों के बाद एक भविष्यवक्ता खड़ा हुआ, वो था यहुन्ना बाप्तिस्मा, जिसने परमेश्वर के वचन लोगों तक लाए, और उन्होंने अपना पहला संदेश जो दिया, मत्थी 3:1-2, यहुन्ना बाप्तिस्मा कर्ता का जो पहला संदेश था वो क्या था? मत्थी 3:2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ, उसका अर्थ क्या है? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह उसके ठीक 6 महीने बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपनी सेवकाई शुरू की तो उनका पहला संदेश क्या था, उसी में आप आगे देखोगे, मत्थी उसका 4:17, प्रभु यीशु मसीह का भी पहला संदेश 17, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यहुन्ना ने भी शुरुआत की, मन फिराओ, पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपनी सेवकाई शुरू की, उन्होंने, उनका जो पहला मैसेज था वो था, मन फिराओ, पश्चाताप करो। प्रेरित उसके बाद, प्रभु यीशु मसीह के बाद जो 12 चेले हुए, पेंटिकोस्ट के दिन नहीं, पवित्र आत्मा से भरकर, नए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ जब वो सेवकाई करना शुरू करते हैं, उनका भी पहला संदेश क्या था, आप निकालिए, प्रेरितों के काम 2:38, उनका पहला संदेश, उसमें उस संदेश को पूरा करते हुए पतरस कहता है, पतरस ने उससे कहा, 2:38, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ और प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के लहू में हरेक पापों का पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। पश्चाताप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हमारा होने की वो अश्योरिटी देता है। बिना पश्चाताप के हम उस राज्य को देख भी नहीं सकते, बाइबल ऐसा कहती है।
सातवां, पश्चाताप महामारी से बचने का एकमात्र तरीका है, है ना। कोई भी पनीर टिक्का जो भी है ना, टिक्का वो एक वर्ड है जो बोलते हैं ना, तो यूट्यूब से वो ये वीडियो रिमूव हो जाता है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। एक जो जिसको हम रेगुलर में यूज़ करते हैं कि मैंने ले ली, है ना, वो जैसे ही आप बोलते हो यूट्यूब से वो वीडियो रिमूव हो जाता है। पश्चाताप वो महामारी से बचने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका। दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि, प्रभु कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मतलब पहले जैसा कर दूंगा। कुछ महामारियां हमने देखी, भविष्य में और भी शायद आ सकती है, हम नहीं जानते, परमेश्वर सब कुछ जानता है। पर प्यारो, पश्चाताप ही एकमात्र मार्ग है जो महामारी से हमको बचा सकता है। यदि आप एक स्वस्थ, ताजगी भरा, बेहतर समय बिताना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, पश्चाताप करें। अपने निजी जीवन में पश्चाताप का, अपनी प्रार्थनाओं में पश्चाताप का समय रखें। प्रत्येक नवीनीकरण, हर एक न्यूनेस नवीनीकरण परमेश्वर जो लाता है हमारे जीवनों में, वो पश्चाताप के साथ शुरू होता है, पश्चाताप के साथ शुरू होता है। इसके पहले सर मैसेज में जो हमने बातें की थी, इसीलिए 3 पड़ाव के विषय में बातें की थी, जहां हर एक व्यक्ति गुजरता है। जब पहली बार प्रभु को जानता है, वो पश्चाताप करके प्रभु को स्वीकार करता है, प्रभु के साथ चलना शुरू करता है। मसीही होकर भी कई ऐसे बातें जीवन में आती है, वो पाप में गिरता है, पश्चाताप है जो उसको फिर से खड़ा कर देता है, प्रभु के साथ चलना शुरू करता है। और तीसरी बात कि उनके, हमारे विरुद्ध यदि किसी ने कुछ किया है, जैसे हम प्रभु से क्षमा पाए हैं, हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। पर वो सामर्थ्य है पश्चाताप का, जो अद्भुत सामर्थ्य है, जो परमेश्वर के अनंत जीवन को, एक पापी लोगों को पवित्रता में ले जाकर परमेश्वर का जीवन उनमें बहना शुरू होता है। इस पश्चाताप के सामर्थ्य के बारे में इतनी सारी बातें हमने देखी, पर कैसे हम पश्चाताप करेंगे, क्या है सच्चा पश्चाताप, है ना। सिर्फ पश्चाताप नहीं, सच्चा पश्चाताप। कई बात हम ऐसे नहीं, क्या बोलते हैं, कहावतें ऐसे, मगरमच्छ के आंसू, है ना। तो उस ऐसा सिर्फ दुख, भावनाएं, अफसोस, उसकी बात नहीं है, पर एक सच्चे पश्चाताप की। क्या है सच्चा पश्चाताप? सच्चा पश्चाताप वो है अपने मन को बदलना, अपने मन को परिवर्तित करना। 3 चरणों में हम उनको उसको देखेंगे। कई बार लोग मानते हैं कि पश्चाताप करना मतलब आंसू बहाना, दुखी होना, वो सिर्फ भावनाओं से जुड़ा है। पर प्यार, वो सिर्फ भावनाओं से जुड़ा नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि अफसोस करना, अफसोस जताना, ये पश्चाताप है। और कई बार लोग सिर्फ अफसोस में जीते हैं और उनको लगता है कि यही शायद मेरा प्रायश्चित है। पर प्यारो, पश्चाताप की एक अलौकिक अनूठी बात यह है, विशेषता यह है कि जहाँ एक व्यक्ति जब पश्चाताप करता है, उससे पहले उसको महसूस होता है। और पश्चाताप वो इसीलिए कर पाता है कि मैंने किसी इंसान के विरुद्ध नहीं, पर उससे बढ़कर, वो तो है ही इस संसार में, पर उससे बढ़कर मैंने परमेश्वर के खिलाफ कुछ किया है। और वहाँ सच्चे पश्चाताप की शुरुआत होती है। वो अफसोस और सिर्फ भावनाओं से अलग है, है ना। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम सब जानते हैं, है ना। उड़ाऊ पुत्र ने अपने बाप की जागीर को, जो भी संपत्ति थी, जो उसका हिस्सा था, उसको लेकर वो चला गया। सब कुछ उसने खो दिया, गलत बातों में, पाप में, हर एक चीज़ों में उसने वो बहा दिया, वो सारा पैसा, धन संपत्ति। और उसके बाद जब उनको वो नहीं, जो डुक्कर भूंड, जो सिंग खाते थे, जो खाना खाते थे, वो खाने की नौबत आ गई। और वहाँ पर उसको विचार आता है, उसको सोच आते हैं, ख्याल आता है कि क्यों ना मैं मेरे पिता के पास जाऊँ। एक सोच आई, एक शुरुआत हुई सोच के साथ,
और वो उठ खड़ा होता है और अपने पिता के पास जाता है। और वहां पर जाकर वो क्या कहते हैं, उनके शब्द को सुनो। लुका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 21वीं आयत। लुका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 21वीं आयत। पुत्र ने उससे मतलब पिता से कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्या लिखा है? स्वर्ग के विरोध में। क्या उस समय पर इस दुनिया में उसने स्वर्ग में जाकर कुछ किया था? नहीं, इस संसार में उसने पाप किया था। पर वो जब अपने पिता से बात करता है वो क्या कहता है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। दाऊद राजा भी इतना बड़ा राजा होकर जिसको परमेश्वर अपना मन भावता, अपना मन प्रिय कहता है, उसने भी अपने जीवन काल में पाप किए और वहाँ पर उसके प्रायश्चित के रूप में वो भजन संहिता 51 लिखता है, भजन संहिता 51। और वहाँ पर दाऊद राजा भी जब लिखता है वो कहता है कि प्रभु मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे स्वर्ग के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि बिना पश्चाताप के उस स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वह परमेश्वर का स्थान पवित्रता है और पाप के साथ हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें पवित्रता में जीने के लिए आगे बढ़ाता है। जब आपको सच्चा पश्चाताप होता है तो आप महसूस करते हो कि परमेश्वर के नियम को मैंने तोड़ा है, परमेश्वर का प्रेम है जिसको मैंने अस्वीकार किया है, परमेश्वर का क्रोध है जिसको मैंने भड़काया है, परमेश्वर का न्याय है उस न्याय के ही सिर्फ मैं काबिल हूँ, सिर्फ उसके ही पात्र हूँ। और वहाँ पर हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है जिसकी आज मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सच्चे पश्चाताप में परमेश्वर की उस दया की आवश्यकता को हम महसूस करते हैं और सच्चे पश्चाताप के बाद हम एक एहसास पाते हैं, एक हृदय में शांति पाते हैं कि हमें हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। पश्चाताप मन का परिवर्तन है, हृदय का परिवर्तन है। पश्चाताप के लिए जो यूनानी शब्द है वो है मेटानोइया। मेटा मतलब चेंज, बदलाव, और नोइया मतलब माइंड, हृदय और मन का जो मेल है। नहीं सिर्फ हृदय, नहीं सिर्फ मन मगज नहीं, पर हृदय और माइंड, वो उन दोनों का मेल, उसमें बदलाव, मनोवृत्ति में बदलाव। इसीलिए बाइबल बार बार कहती है अपने मनोवृत्तियों में नए हो जाओ। अपने मन के नए हो जाने से नई चाल चलन में जीना शुरू करो, सोच में बदलाव। तो पहला तीन पड़ाव है ना पश्चाताप में, तीन बड़ा पड़ाव है। बोलिए मेरे साथ, सोच में बदलाव, शब्दों से अंगीकार और कार्य में दिखाओ। सोच में बदलाव, शब्दों से अंगीकार और कार्यों में दिखाओ, है ना। सबसे पहला जो चरण है वो है हमारी सोच में हमें नया बनना है, अपना मन बदलना है और परमेश्वर के समान सोचना शुरू करना है, परमेश्वर की सोच के साथ हमें जुड़ जाना है। जिस तरह से आप जी रहे हैं उस पर पुनर्विचार करो और अपने माइंडसेट को हमें बदलना है। पर कैसे बदलना है? परमेश्वर के विचारों से। परमेश्वर के विचार को हम कैसे जानेंगे? एक ही है जो हमें परमेश्वर के विचारों को विषय में बताता है। जितना हम बाइबल पढ़ेंगे, जितना हम वचनों को पढ़ते जाएंगे, हम परमेश्वर के विचारों से जुड़ते जाएंगे और परमेश्वर के विचार वो हमारे विचार बन जाएंगे। दिलचस्प बात यह है, जो आप जितने परमेश्वर के करीब जाओगे उतना ही स्पष्ट रीति से अपने जीवन के हर एक पापों को आप देख सकोगे। जितने परमेश्वर के करीब जाओगे, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है ना, जितने हम परमेश्वर के करीब जाएंगे हम स्पष्ट रीति से हमारे जीवन के हर एक जो कहीं पे अंदरूनी भागों में छुपे बैठे हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं मुझे तो ईगो नहीं है, कई बार हमें लगता है कि नहीं मैं किसी की ईर्ष्या नहीं करता, पर जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाओगे जो बाहर नहीं दिखता है ना, झूठ वो बाहर दिखता है, व्यभिचार बाहर दिखता है ना, किसी की हत्या कर दोगे कई लोग उनको देखेंगे गवाह बनेंगे, है ना, बाहर दिखता है, पर ईर्ष्या, अदेखाई,
ईगो अहम जो अंदर बैठा है शायद बाहर ना दिखे, पर जैसे जैसे आप परमेश्वर के जितना करीब जाओगे हर एक हमारे पाप उभर कर हमारी आंखों के सामने आएंगे, है ना। सोच में बदलाव कब कर पाओगे? जब हम वचनों से जुड़े रहेंगे, जब हम वचन के साथ चलना शुरू करेंगे। दूसरा चरण है शब्दों से अंगीकार, है ना, अपने पापों को स्वीकार करना। कैसे करेंगे? देखो, पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा वो पश्चाताप की मांग करता है। यदि हमें पाप क्षमा पाना है तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा, बिना पश्चाताप के पापों की माफी नहीं है। और मानव जाति की मूलभूत आवश्यकता पश्चाताप है। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया? अपने समान, जैसे परमेश्वर खुद सोच सकता है, खुद तय कर सकता है, खुद चुनाव कर सकता है ना, वैसे ही परमेश्वर ने हमको बनाया। फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा शक्ति परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को दी, जो हम सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं। बच्चे सुबह उठते हैं, ब्रश करना कि नहीं करना, है ना, चुनाव है। कई लोग करते हैं, मैं मानता हूँ कि सब लोग करते होंगे, है ना। नहाना कि नहीं नहाना, चुनाव है। कोई नहा कर आता है, कोई भी हो सकता है ना, आपके ऊपर, नहीं ना, चुनाव है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति परमेश्वर ने हम सभी को दी है। वैसे ही उसी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के कारण हमारे जीवन के जो चुनाव करने का सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है, वही हमें हमारी गलतियां, हमारे पाप, हमारे अपराध के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ठहराता है कि वो हमने ही किया है और इसीलिए हम जिम्मेदार होते हैं। पर वो कब आप पश्चाताप कर पाओगे? सबसे पहला होता है, हमें अपने आप को नम्र करना पड़ता है। एक नम्र इंसान ही पश्चाताप कर सकता है। एक नम्र इंसान ही, नम्रता के साथ वो शुरू होगा। जब व्यक्ति अपने आप को दीन करेगा तभी वो पश्चाताप कर पाएगा। स्वतंत्र इच्छा शक्ति ही वो हमारे सामने हमारे लिए एक न्याय का कारण बन जाती है, क्योंकि जो भी हमने किया वो हमारी इच्छा से हुआ, हमारी इच्छा से किया। तो इसीलिए वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर ने तो कहा कि जीवन और मृत्यु मैंने तेरे सामने रखा है, भलाई और बुराई मैंने तेरे सामने रखी है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तू जीवन पसंद करे, तू भलाई को पसंद करे, है ना। पर जब हम बुराई पसंद करते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके जो क्राइसिस है, चुनौतियाँ हैं, वो हमारे सामने आती है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है और उसका जो भी प्रतिफल है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कोई परमेश्वर की वजह से नहीं, परमेश्वर न्याय करता है पर उसकी वजह से कोई नर्क में नहीं जाता है। इंसान खुद ही अपना डेस्टिनी, अपना प्रारब्ध, अपना अंत कहाँ पर होगा वो चुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है। परमेश्वर ने हमें चुनाव की जो स्वतंत्रता दी है और हम अपनी पसंद के, अपने चुनाव के जिम्मेदार है। जैसे हम अपनी आशीषों को नहीं मांगते हैं ना, अपने जीवन में जो चाहिए वो परमेश्वर से मांगते हैं ना, कि प्रभु गाड़ी दे, बंगला दे, अच्छा स्कूल में मार्क्स आए, अच्छे अंकों से पास हो जाऊं, प्रभु हमारे घर में शांति रहे। हर एक आशीषों को एक एक करके हम मांगते हैं ना, तो पश्चाताप वैसी तरह हमारे हर एक पापों के लिए, एक एक करके, एक एक पापों के लिए हमें अंगीकार करना है। जब हम मसीह के संग जी रहे, मसीह के पीछे हमने चलना शुरू किया है, जो भी छोटा मोटा भी हमारे हृदय में भी, मन में भी कुछ भी ऐसी गलत बातें जो परमेश्वर के खिलाफ है, हमें उन बातों का अंगीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा, कन्फेस करना होगा, है ना, परमेश्वर के सामने पापों का प्रायश्चित करना होगा। व्यसन, यदि कोई व्यसन में हो, झूठ, चोरी, ईर्ष्या, दिखाई, उन सब बातों का एक एक करके हमें परमेश्वर के सामने क्षमा मांगना है। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। वो माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। पर कब? जब हम पश्चाताप करेंगे, एक एक पाप के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप हमारे विचारों से शुरू होता है, शब्दों में हम उसको बयान करते हैं
और आखिर में वो हमारे कर्म में, हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में दिखता है। इसीलिए तीन पड़ाव में हमने देखा एक पश्चाताप का कार्य कब पूरा होता है, तो सोच में बदलाव, मुंह से अंगीकार और जीवन में हमें उसको दिखाना है, जीवन में दिखाओ। तो तीसरा जो पड़ाव है वो है, तीसरा जो चरण है वो है पश्चाताप का तीसरा चरण, कार्य में दिखाना है ना, कार्य में बदलाव, कार्य में हम दिखाना, हमें दिखाना है। जक्खय के विषय में हम सभी जानते हैं, जक्खय है ना, वो कौन था, टैक्स कलेक्टर है ना। उस समय के जो व्यवस्थाएं थी उसमें वो कर लेने का काम उसका था, टैक्स लेने का उनका काम था, और उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों से, बहुत सारे लोगों से जो लेना चाहिए उससे कई ज़्यादा लेकर लोगों को लूटा था। जब प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई, वो वहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, और जब प्रभु उनके घर आते हैं, प्यारो सोचो कितने वो सौभाग्य की बात है ना, इट्स अ प्रिविलेज, प्रिविलेज का कोई अच्छा हिंदी में वर्ड नहीं है, हालांकि हम भाग्य में, तकदीर में हम नहीं मानते हैं ना, लक में हम नहीं मानते हैं, पर उसके अलावा कोई वर्ड नहीं मिला, नहीं, इट्स अ प्रिविलेज, ये एक सौभाग्य की बात है कि सृष्टि का रचने वाला, जमीन और आसमान का बनाने पर, बनाने वाला परमेश्वर उनके घर आने के लिए सामने से उनको कहता है कि जक्खय आज मैं तेरे घर आने वाला हूँ। और जब प्रभु उनके घर में आता है प्यारो, वहाँ पर प्रभु को उनको कहने की आवश्यकता नहीं रही कि तू पश्चाताप कर, वो खुद कहता है, उठ खड़ा होता है और कहता है, लुका रचित समाचार 19वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत, कोई पढ़ेगा मेरे लिए जोर से, यदि जिसको भी मिलता है, लुका रचित समाचार 19वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। लुका, लुका 19 या 17, जक्खय ने कहा कि मैं लोगों को धोखा दे रहा था, उसको तो मैंने लूटा है, पर जो कुछ भी मैंने लूटा है उसका चार गुना मैं वापस दूंगा। उनका पश्चाताप वो सिर्फ विचार तक नहीं रहा, मुंह के अंगीकार तक नहीं रहा, पर जो भी उन्होंने किया था उसका चार गुना उन्होंने लौटाने के लिए कहा। और तब प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, पश्चाताप को उसने कार्य में दिखाया। प्यारो पश्चाताप के द्वारा हमारे अब तक के जीवन में जो भी पाप, अपराध और कई गलतियां जो आज तक हम करते आए हैं उसको हम सुधार सकते हैं। शायद कई ऐसी गलतियां या ऐसी बातें होगी जिसको हम नहीं सुधार सकते क्योंकि वो समय बीत गया, पर कई ऐसी बातें हैं जिसको आप सुधार सकते हो, तो उसको सुधारिए, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सामने उन सारी बातों को लाइए, और परमेश्वर अपने दया से, अपने अनुग्रह से हमें क्षमा करेगा और नए जीवन में हमें ले जाएगा। पश्चाताप मन का परिवर्तन है, हमारे सोचने के तरीके में परिवर्तन वो करता है, हमें अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक समय था जब हम जीते थे, पर अब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के साथ जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करेंगे। हमारे जीवन से कैसे परमेश्वर खुश हो वो हम देखेंगे। और प्यारो ये पश्चाताप सिर्फ भावनाएं नहीं है, सिर्फ रोना उतना ही नहीं है, पर पश्चाताप एक निर्णय है, एक डिसीजन है जो हमें लेना है, लेना होता है। अपनी इच्छा को बदले बिना पश्चाताप करना असंभव है ना, एक इच्छा के साथ हम उसको शुरू करते हैं। प्यारो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तक के जीवन में आप कहाँ थे, कैसे थे। कई बार जब पहली बार प्रभु को जानते हैं, अब तक का जीवन, जैसे निकी क्रूज के बारे में हमने सुना है ना, पूरा एक गैंगस्टर जैसा, गैंगस्टर ही था वो, एक गोलियों के साथ खेलने वाला, हर बार मार काट ये होने करने वाला, गलत बातों का वो, गलत चीज़ों को बेचने वाला, ऐसा व्यक्ति, एक पापी इंसान, अब तक का जीवन पाप में था, पर एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के साथ उसकी मुलाकात हुई और वहाँ उसके जीवन ने, उनके माफ़ी के द्वारा ये निकी क्रूज बच गया और एक नया जीवन उसका शुरू हुआ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक यीशु मसीह को मिलने के पहले का जीवन कैसा था,
अब तक यदि मसीह के साथ चलने शुरू करने के बाद भी यदि कोई ना कोई पाप या अपराध हुए है, परमेश्वर माफ करता है। शुरुआत पश्चाताप से होगी। पश्चाताप करें। आए हम आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं कि हम सब एक गहरे पश्चाताप में जाए। यदि आज भी कोई ना कोई ऐसी बातों से जिससे आप जानते हो और वास्तव में सही में पश्चाताप करना चाहते हो, परमेश्वर आपको क्षमा करके आपके वर्तमान को आशीष देगा और आपके भविष्य को वो बदलेगा। आंखें बंद करें, अपने जीवन के बारे में सोचें। यदि आप खड़े होना चाहते हैं, घुटनों पे आना चाहते हैं, प्यारो ये समय आपका और परमेश्वर के बीच का है और ये बड़ा ही अद्भुत समय है। अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा सामर्थ्य रीति से आज आपके जीवन में काम करेगा, आपके हृदय में काम करेगा। जो भी तोड़ना है वो तोड़ेगा, जहां कहीं भी ठीक करना है परमेश्वर करेगा। ये आपका और परमेश्वर का समय है। हालेलुया क्षमादान देकर मुझे माफ करना, मैं पापी हूँ परमेश्वर, नई राह पर तू मुझे साथ लेना, चलूँ मैं तुम्हारी डगर। क्षमादान देकर मुझे तार देना, मैं पापी हूँ परमेश्वर। कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए हैं। जो भी पाप पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, परमेश्वर के सामने उसको बयां करिए, परमेश्वर के सामने उसको रख दीजिए। एक एक पाप जो भी याद आता है परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए। चुप मत बैठे रहिए, अपने हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ बात करिए। ये आपका और परमेश्वर का समय है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज अद्भुत रीति से हमारे बीच में चलायमान हो रहा है। हर एक उन बातों को वो तोड़ेगा, निकालेगा, हर एक गंदगी को वो बाहर फेंकेगा। यदि आप चाहो तो, क्योंकि कोई भी बाहरी सामर्थ्य आपको पश्चाताप नहीं करा सकता, पश्चाताप आपको खुद को करना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ बातें करना शुरू कीजिए, परमेश्वर के साथ बातें करना शुरू कीजिए। सच्चा पश्चाताप पापों के अंगीकार से शुरू होता है, शब्दों में बयां होता है, पर आखिर में हमारे जीवनों में, हमारे आचरण में बदलाव के साथ वो समाप्त होता है। वो हमारे जीवन को बदलता है। पश्चाताप आपको पापों को त्यागने, व्यसनों को त्यागने, लोगों के बारे में बुरा बोलने से रोकने, ईश्वर से, परमेश्वर से भी कई बातें हमने चुराई है, दान दशमांश न देकर कुछ भी हमने परमेश्वर के खिलाफ किया है, परमेश्वर को लूटा है, उन सब को क्षमा मांगकर प्रभु के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए पश्चाताप हमें प्रेरित करता है। और सच्चे पश्चाताप के फल होते हैं। यदि आज आप सही हृदय में, पूरे हृदय से, पूरे मन से पश्चाताप करोगे, प्रभु अपने पवित्र आत्मा के फलों से आपको भर देगा। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवनों में दिखाई देंगे। जक्खई की तरह जिसने खड़ा होकर जो भी उसने लूटा था चार गुना लौटा दिया और प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु आपके जीवन में उद्धार लाएगा, उद्धार का आनंद देगा। द जॉय ऑफ द सल्वेशन, उद्धार का आनंद अपनी असीम शांति से आपको भर देगा। पश्चाताप करिए, प्रभु से बातें करिए। ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर आपको क्षमा ना करे। ऐसी कोई बीमारी ना है, नहीं है, जिससे आप चंगे ना हो सके। ऐसा कोई बंधन नहीं है जिससे आप छुटकारा ना पा सके। परमेश्वर का माफी का, पश्चाताप का ये सामर्थ्य है
जो नया जीवन, चंगाई, छुटकारा, आनंद, मुक्ति, शांति आपके जीवन में लेकर आएगा। पश्चाताप करिए, परमेश्वर को समर्पित हो जाए। यदि आज प्रभु के साथ एक नया जीवन शुरू करने की आप ठान ले रहे हो, अपने आप को समर्पित करना चाहते हो, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। यदि फिर से प्रभु के साथ चलना शुरू करना चाहते हो, फिर से एक नई सोच के साथ, नए बदलाव के साथ, मनों के परिवर्तन के द्वारा, हृदय के परिवर्तन के द्वारा नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हो, परमेश्वर का वो हृदय को, मन को बदलने वाला सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा खुद हमारे बीच में मौजूद है। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके हृदयों में कार्य कर रहा है। जो भी आप उनसे बातें करना चाहते हो करो, जो भी आप अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को पाना चाहते हो करो, बातें करो। जो भी अपने जीवन में से निकालना चाहते हो, नहीं निकाल पा रहे हो, कहो प्रभु से कि पवित्र आत्मा तू आज मुझे सामर्थ दे, इन पापों से मुझे छुटकारा दे। मैं मेरे जीवन में से इस बातों को निकालना चाहता हूँ, इस व्यसन को निकालना चाहता हूँ। प्रभु मुझे तेरे सामर्थ से भर, उसको त्यागने के लिए मेरी सहायता कर। मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे प्रेम में और भी बढ़ना चाहता हूँ। हर एक वो बातें जो परमेश्वर से ऊपर बढ़कर आपके जीवन में है, तो एक दूसरा देवता आपने अपने जीवन में बना लिया है। क्षमा मांगे और कहिए कि प्रभु तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा प्रभु है। जो भी बातें, रुपया, पैसा, कोई व्यक्ति, कुछ भी संसार की चीजें यदि परमेश्वर से बढ़कर बन गई है, कहिए कि प्रभु इन हरेक जो देवता मैंने मेरे जीवन में बनाए हैं, उसको मैं निकाल फेंकता हूँ और प्रभु मैं तेरा शरण स्वीकार करता हूँ और मैं तेरे साथ जुड़ जाना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तेरा हृदय दे प्रभु, तेरा हृदय दे प्रभु, तेरे विचार दे प्रभु। मैं हर रोज बाइबल को पढ़ूं, हर रोज तेरे वचनों को पढ़ूं, तेरे वचनों का मनन करूं और प्रभु मैं तेरे जैसा बन जाऊं। प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, मेरी सहायता कर। रिखोलो रोबो रिबा खाता राला राबा रिखोलो रोशिके। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, बातें करिए प्रभु से। ये आपका और परमेश्वर का समय है, परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है और वो फलों को आप अपने जीवनों में देखोगे यदि सच्चे पश्चाताप के साथ एक नया जीवन शुरू करोगे। हालेलुया रिखा ला रब रिखो लो रोश। फिर आप अपने मन से, सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हो, तो जैसे उस उड़ाओ बेटे के साथ हुआ वैसा ही आपके साथ हो सकता है। डोंट बी अनरिपेंटेंट, एक पश्चाताप न किए हुए व्यक्ति के समान अपना जीवन मत पूरा कीजिए, क्योंकि वे लोग स्वर्ग का राज्य नहीं देख पाएंगे। उन लोगों के पास अधिकार नहीं है, उन लोगों के पास सुरक्षा नहीं है, वो अनसेव्ड कंडीशन में रहेंगे और अनसेफ रहेंगे। शैतान उन्हीं पर अधिकार ले सकता है जो अनरिपेंटेड है, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है, जिन्होंने मन नहीं फिराया है। शैतान वहीं सफल हो सकता है। परिस्थिति वैसी की वैसी रह सकती है, नम्र कीजिए परमेश्वर के आगे अपने आप को। आपकी स्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर ने आज की वाणी को आपके जीवन में लाया है। रिस्पॉन्ड कीजिए परमेश्वर को, प्रतिभाव दीजिए उस पश्चाताप के द्वारा। सिर्फ आंखों से आंसू बहाकर, अफसोस जताकर आप पश्चाताप नहीं कर सकते हो।
हाँ ये दुख है और ये दुख होना ही चाहिए, पर जब तक आप और मैं संपूर्ण रीति से यू टर्न नहीं लेंगे, हम उस ताजगी के समय को स्वर्ग से जो आ सकते हैं वो नहीं देख पाएंगे। प्यारो, आपके परिवार में अगर आप ताजगी नहीं देख रहे हो, आज ही रिपेंट कीजिए, मन फिराइए। स्वर्ग का राज्य ही आपके परिवार की परिस्थिति बदल सकता है, और स्वर्ग का राजा स्वर्गीय प्रभु यीशु आपकी स्थिति को बदल सकता है। बट तब उसको अधिकार मिलेगा कि जब आप पश्चाताप करोगे, अपने पापों को एक्सेप्ट कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, यस लॉर्ड मैंने ये किया है, मैंने अनैतिक जीवन जिया है, मैंने वो किया है जो तुझे पसंद नहीं है। कन्फेस कीजिए प्यारो, कबूल कीजिए। शादी से पहले वो चीजें की है जो अयोग्य है, माफी मांगिए प्यारो। बहुत सारी चीजें है जो अनरिपेंटेंस के लिए वजह से हमारे जीवनों में है, हमारे परिवारों में है, क्योंकि हमने पश्चाताप नहीं किया है। प्रभु के दास ने जैसे बोला, नम्र व्यक्ति ही है जो पश्चाताप कर सकता है, और नम्र व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा है कि वो ही इस पृथ्वी का अधिकारी हो सकता है। अगर आप और मैं पश्चाताप नहीं करेंगे, बाइबल का वचन नीति वचन में साफ लिखा है, 28वें अध्याय में साफ कहा है, जो कोई भी अपनी गर्दन को अकड़ रखता है, जो कोई भी अपने पाप को कबूल नहीं करता है बट छुपाए रखता है, अकस्मात से उसका नाश होगा। अपने आप की परिस्थिति बदलती हुई देखना है, पापों से अपने आप को ढांक न दीजिए, यीशु के सामने खोलिए उस पाप को, यीशु हर एक पापों को धो देगा प्यारो, हर एक पाप। आपको लगता है गंदे से गंदा पाप है मेरा, ये तो कोई हिसाब से नहीं धुल सकता है, बट यीशु का लहू धो सकता है। वो लहू इसीलिए बहा कि दुनिया का हर एक पापी बचाया जाए, हर एक खूनी बचाया जाए, हर एक बलात्कारी बचाया जाए, हर एक वो जिन जो पाप करता है बचाया जाए, हर एक चोर बचाया जाए। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि हर एक पापी को बचाया जाए। अगर आप अपने आप को धर्मी ही समझकर बैठे रहोगे, यीशु कहता है कि मैं धर्मी के लिए नहीं बट मैं पापी के लिए आया हूं। दाऊद राजा होकर भी अपने गुरूर में, अभिमान में, ईगो में नहीं रहा, उन्होंने नाथान के आगे साफ कह दिया कि मुझे माफ कर दे। प्यारो मांगे, आप और मैं क्या वजूद रखते हैं उस पवित्र खुदा के सामने? क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, मांगे प्यारो, माफी मांगे अपने उन पापों के लिए जो आपको पवित्र आत्मा दिखा रहा है, आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने दिखा रहा है आपको। जवान भाई बहन और सभी लोग, आपको जो दिखा रहा है पवित्र आत्मा दिखा रहा है, पश्चाताप कीजिए उस पाप के लिए। मेरा यह दावा है कि यहां हर एक को पवित्र आत्मा दिखा रहा है उनके अपराधों को। उस अभिषेक को पाने की आड़ में वो पाप है अभी भी। माफी मांगे प्यारो, उस अभिषेक को रिलीज होते हुए अगर आप देखना चाहते हो, उसको बांध कर रखा है आपके पापों ने ही। स्वर्ग का राज्य निकट है और यीशु का आना भी निकट है, और वो स्वर्गीय राज्य इस पृथ्वी पर हो स्थापित होना भी निकट है। और इसीलिए प्यारो पश्चाताप कीजिए, अपने उन बुरे कामों से मन फिराइए, आधा अधूरा अर्पण देना छोड़े, माफी मांगे पूरे दिल से, पूरे मन से। अगर प्रभु को प्रेम नहीं किया है, माफी मांगे प्यारो। डोंट बी ए अनरिपेंटेड, उस कंडीशन में ना रहे, क्योंकि वे लोग अनसेव्ड रहेंगे। वो इस समय में प्रेरितों के काम में साफ कहता है, हर व्यक्ति को पश्चाताप करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को
बलिदान दे दिया है, बलिदान चुकाया जा चुका है, हमारा प्रायश्चित यीशु मसीह बन चुका है उसका लहू के द्वारा। और इसलिए हर मनुष्य के लिए प्रभु का वचन कहता है कि वो पश्चाताप करे। प्रभु कोई जाति को नहीं बोल रहा है, हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लिए पश्चाताप स्वर्ग की आवाज है आज के लिए। यीशु के नाम में माफी मांगे। अगर आप अपने जीवन के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहते हो और आपने फैसला किया है कि मैं उन बातों से अब अपने आप को अलग दूसरी दिशा में, जो यीशु ने बताई हुई दिशा है, उस दिशा में जाऊंगा, अगर यह आपका फैसला है तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हो। हो सकता है आपके मोबाइल के अंदर आपने ऐसी चीजें देखी हो सकता है ऐसी एप्लीकेशंस ऑनलाइन कोई सुन रहा हो, वो कैसी एप्लीकेशंस आपने डाल रखी हो, यीशु के नाम में डिलीट कीजिए, माफी मांगिए और अपने आप को यू टर्न तभी कहलाएगा कि आप उन बातों को, उन मार्गों को छोड़ दोगे जो नाश की ओर ले जा रहा है। यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं, आप कह सकते हो प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके सामने लाता हूं, एक पापी के रूप में मैं अपने आप को आपके सामने रखता हूं, मुझे क्षमा करें मेरे हर गुनाह, जो मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से, मेरे हृदय में ईर्ष्या करके, अभिमान करके, गर्व रख के किए हो, मुझे क्षमा करे। मेरे कानों के द्वारा, मेरे होठों के द्वारा, मेरे आंखों के द्वारा और मेरे विचारों के द्वारा जो भी पाप किए हैं, मैं कबूल करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपराधी हूं। यीशु मसीह, तेरे बहाए पवित्र लहू से मुझे धो दो, मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो, मुझे आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दीजिए। रिसीव कीजिए प्यारो, अगर यह आपका सच्चा पश्चाताप है, वो ग्रेस आपके लिए रिलीज, ऑलरेडी रिलीज है, वो उन हर एक के लिए है, वो पवित्र आत्मा का बल सामर्थ जो अपने आप को मोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी व्हीकल कहीं रुक गए हैं और वहां से मुड़ रहे हैं। हो हालेलुया, आपके लिए नई राह, और उस नई राह में आने वाली हर एक आशीष आपके लिए है। याद रखिए, उड़ाओ बेटा मुड़ा, तब उसने पिता की बाहों को देखा, उसके वस्त्र तभी बदले जब वो मुड़कर घर आया, उसको अंगूठी यानी कि अधिकार और हक तभी मिला कि जब वो पश्चाताप करके मुड़कर लौटकर घर आया। हमारी सलामती और हमारा आशीष, हमारी भलाई पिता के घर में, पिता की उपस्थिति में ही है। जो लोग मुड़े हैं, आप एक नए अधिकार के साथ आगे बढ़ने वाले हो। हालेलुया, आपका परिवार एक नए अधिकार के साथ बढ़ने वाला है। ओ यीशु धन्यवाद। इंसान चाहे जितना भी तप साधना कर ले, बट उसके पाप धुल नहीं सकते हैं, लहू के बगैर प्रायश्चित नहीं है, शास्त्र यही कहते हैं। इंसान के अच्छे काम भी उसको आपके सामने खड़े रहने के काबिल नहीं बना सकते हैं। यदि बुरे कामों का हिसाब लिया जाए तो कौन है जो तेरे सामने खड़ा सके प्रभु? कोई खड़ा नहीं रह सकता है। कोई इंसान अच्छे कर्मों से भी तेरे सामने पहुंच नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ तेरा लहू। प्रभु आज हम स्वीकार करते उस लहू को हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे आत्मिक जीवन पर। बोलिए, मेरे आत्मिक जीवन पर यीशु तेरे लहू को तू छिड़क दे, ताकि मैं तेरे समीप आ सकूं, तेरे करीब रह सकूं,
और तेरे साथ चल सकूं, तेरे साथ साथ उस सकड़े मार्ग में कदम बढ़ा सकूं। मेरी मदद कर यीशु, हम धन्यवाद कहते हैं आज की इस वचन के लिए प्रभु। स्वर्ग की ताजगी को आप उंडेलने जा रहे हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। नम्र कीजिए, अभी भी कोई है जो अपने गुरूर में और ईगो में है, आप बड़ी सफलता चूक रहे हो, आप बहुत बड़ी आशीष को चूक रहे हो। ऑनलाइन कोई बैठा है, उस दिल की आवाज जो पवित्र आत्मा आपके भीतर रखा हुआ है, सुनिए उसे। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। नई दिशाओं के लिए धन्यवाद। चंगाई की शुरुआत आपके परिवारों में हो चुकी है प्यारो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हम रिसीव करते हैं प्रभु, हम रिसीव करते हैं उन पवित्र वस्त्रों को, उस बड़े अधिकार को हम रिसीव करते हैं। ओ पवित्र वचन कहता है कि यदि कोई पापी पश्चाताप करता है, एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद किया जाता है। हालेलुया, वो खुशी पवित्र आत्मा आपके दिलों में ला रहा है प्यारो। रिसीव कीजिए उस पवित्र आत्मा का फल जो आनंद है, उसको रिसीव कीजिए प्यारो। वो आपके अंदर उमड़ने दीजिए, उसको उमड़ने दीजिए प्यारो। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम बैठे हैं, हमको बुलाया गया है, हमें अलग किया है प्रभु तूने। हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमें बड़ा पद दिया है। ओ राज पदधारी याजकों का पद, हम धन्यवाद करते उसके लिए। आपने हमें पवित्र प्रजा बनाया है और तेरे समीप बुलाया है, इसलिए कि हम उस रोशनी में चले, उस उजाले में बने रहे, कि जहां पर अंधकार का जोर नहीं है, जहां पर शैतान का जोर नहीं है, जहां बीमारी का जोर नहीं है, जहां श्राप का जोर नहीं है, जहां कुछ भी युक्ति जो शैतान की है, इस संसार की बुरी कायनात बुरी लोगों की है जो नहीं चल पाती है, ओ उस रोशनी में तूने उनको लिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें उस रोशनी में बुलाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू डैडी, आभार मानते पिता। आपके पीछे चलने का अद्भुत अनुग्रह आप दीजिए और भी बढ़ाइए प्रभु। प्रतिदिन हमारा मन फिराना, हमारे पापों को जांचना जारी रखे प्रभु। हमें यह अनुग्रह दे। वो आवाज पवित्र आत्मा की आवाज हमारा पीछा करती रहे हमेशा, हर बुरे काम, हर परीक्षा के वक्त में, हर बुरी दिशाओं में, हर एक ऐसी जगह जो परीक्षा की घड़ी है, ओ पवित्र आत्मा तेरी आवाज कलीसिया के हर लोग के साथ, हर बूढ़े छोटे जवान बच्चे सभी के साथ बनी रहे प्रभु। आज हम मांगते प्रभु, ताकि हम कोई गलती करके आपको दुखी न कर बैठे पिता। मदद कीजिए प्रभु उस आवाज को फॉलो होने के लिए। ओ प्रभु, हमारे हमारे टोन को बदलिए, हमारी स्पीच को बदलिए प्रभु। हमारा बोलना अनुग्रह से और सलोना हो परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु प्रभु बदलिए परमेश्वर, अनुग्रह मांगिए प्यारो। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे शांति प्रदान कर, हर समय में मुझे शांति रह, मैं तेरी शांति में रह पाऊं। प्रभु बदल रहा है प्यारो, प्रभु बदलेगा। आप मांगिए प्यारो, प्रभु हर एक उस विश्वासी की मदद करता है जो हाथ बढ़ाता है, हाथ मांगने वाला। मांगिए प्यारो, प्रभु आपकी मदद करेगा। अपने आप को नम्र बनाए रखिए प्यारो। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। प्रभु हमारी प्रार्थना है, जो कोई भी बीमारी में है, जो कोई भी कुछ समस्याओं में घिरे हुए है प्रभु, कोई कर्जे के बंधन में है, अगर कोई ऑनलाइन जुड़े हुए ऐसे लोगों में से कोई है जो ब्लैक मैजिक का सामना कर रहा हो, जादू टोने की कोई असर है, आज हम यीशु मसीह का जो सबसे ऊंचा नाम है, जो सारी प्रधानताओं से ऊपर है, ओ यीशु के नाम में, ओ बड़े पवित्र नाम से, ओ यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं उन बंधनों को, ओ हर एक कनेक्शन को हम तोड़ते, हर एक तारों को हम तोड़ते हैं, ओ शैतान के साथ जुड़े हुए हर एक तार को तोड़ते, व्यभिचार के साथ जुड़े हुए तार को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु।
ओ स्वर्गीय दूत, ओ परमेश्वर हम धन्यवाद करते तेरे दूतों ने परमेश्वर उन बॉन्डेजेस को अलग किया है, तोड़ा है प्रभु, धन्यवाद करते पिता, थैंक यू डैडी, थैंक यू। ओ कोई वशीकरण हो यीशु के नाम में ठोट जाए, ओ ऐसी कोई संबंध की जो ऐसी बातों से आए हैं, यीशु के नाम में ऐसे संबंधों को हम अलग करते हैं जो वशीकरण से फैलाए गए हैं, ओ यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं, हालेलुया। प्रभु हम मांगते परमेश्वर आपका छुटकारा रिलीज होने दीजिए उन जीवनों में, हर बीमारी की आत्मा को जो शैतान लेकर आया बीमारी, ऐसी हर एक आत्मा जो बीमारी के रूप में काम कर रही हो, हम यीशु के नाम में तुझे धमकाते, दूर हो यीशु के नाम में, हट जाए उस परिवार में से, यीशु के नाम में हमेशा के लिए निकल जाए। प्रभु तेरी शांति और चंगाई को हम बोलते हैं, वी स्पीक शालोम एंड योर लाइफ अपॉन देम, यीशु के नाम में हम उनके ऊपर जीवन को बोलते हैं परमेश्वर, ओ हर एक ब्लड रिपोर्ट चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ओ लहू के हर एक विकार दूर हटे यीशु के नाम में, लहू के अंदर फैली हुई बीमारी दूर हटे यीशु के नाम में, हर एक बैक्टीरियल इंफेक्शन दूर हो यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रभु तेरी शांति, तेरी चंगाई, तेरी भरपूरी हम बोलते हैं। ओ यदि किसी के बिजनेस में भारी चोट पहुंची हो यीशु के नाम में, प्रभु तू हील कर उस बिजनेस को, प्रभु हम मांगते पिता उन बिजनेस को आप हील कीजिए, प्रभु चंगा कीजिए उन बिजनेसेस को परमेश्वर। प्रभु किसी की नौकरी छूट गई है, प्रभु यीशु के नाम में आज अच्छी जॉब हम क्लेम करते हैं यीशु मसीह के नाम में, मैं उन बंद द्वारों को खुलने की आज्ञा देता हूं, खुल जाओ यीशु के नाम में। आकाश और पृथ्वी पर एक ही नाम है जो सबसे ऊंचा है, जो हर एक ताले को खोल सकता है, यीशु के नाम को हम उपयोग करते हैं, कलीसिया उपयोग करिए, यीशु के नाम में नौकरी के बंद द्वार खुल जाए, बोलिए यीशु के नाम में नौकरी के बंद द्वार, एक मन होकर मांगे यीशु के नाम में नौकरी के द्वार खुल जाए, बंद द्वार खुल जाए यीशु के नाम में, ओ यीशु के नाम में अच्छी जॉब रिलीज हो यीशु के नाम में, ओ अच्छी जॉब के द्वार रिलीज हो, ओ शोषण बंद हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कर्जों के बंधन से आजादी बोलते यीशु के नाम में, कर्जों के बंधन से हम आजादी बोलते हैं, ओ उस जंजीर को हम तोड़ते यीशु के नाम में, तेरा लहू लेते हैं हर उस इनकम पर, हम तेरे प्रभु तेरा लहू लेते हैं। अगर आपके पैसे आपने घूस देने के लिए उपयोग किए हैं, श्राप है, कर्ज है, घूस देने के लिए अगर उपयोग में लिए हुए पैसे है, माफी मांगे। आप हमेशा कटौती में रहते हो क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी को घूस दी है, उसके पवित्र पर्वत पर वही वास कर सकता है जो ऐसे कामों से अपने हाथों को अपवित्र ना किया हो। सामान्य पाप ना समझे करप्शन को, बहुत बड़ा पाप है ये। आपकी इनकम पर से श्राप हटना देखना चाहते हो, उस पाप के लिए पश्चाताप करना, मुझे नहीं पता ऐसा कोई होए यहां पर, प्रभु आपके बिजनेस को भी आशीषित करना चाहता है। आप पैसे देकर कुछ खरीद नहीं सकते हो, आपकी सलामती, आपकी उन्नति पश्चाताप करके यीशु के पास से ही आ सकती है। लिख कर रख लीजिए अपने पास। इस संसार के कायदे कानून, इस संसार ने बनाई हुई रीतियां आपकी मदद नहीं कर सकती है, स्वर्गीय रीतियां और स्वर्गीय वचन ही आपकी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु विजडम दे उनको सुलेमान की माफिक, ताकि वे लोग अपने काम को बढ़ा सके। प्रभु आपके हाथों में सब बातें रखते, धन्यवाद प्रभु आपकी बातों के लिए, सिखाने के लिए, सीखने के लिए हमारे मनों को खोला प्रभु, धन्यवाद यीशु। चंगाई के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करे प्यारो, धन्यवाद करे, आपने पा लिया है,
धन्यवाद करे, रिसीव करे प्यारो, रिसीव करे, आपने चंगाई को पाया है, थैंक यू करे, प्रभु को धन्यवाद करे, थैंक यू तेरी चंगाई के लिए, तेरी तेरी ब्लेसिंग्स के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, प्रभु अच्छी नौकरी मुझे मिलने जा रही है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, मुझे एडमिशन मिलने वाला है प्रभु, धन्यवाद, मुझे एडमिशन मिलने वाला है प्रभु, धन्यवाद, मेरे बच्चों को अच्छा एडमिशन मिलने वाला है प्रभु, धन्यवाद, मेरे बिजनेस के लिए नए कदम उठने वाले हैं प्रभु, धन्यवाद। ओ स्वर्गीय कानून, स्वर्गीय दूतों को तूने काम में लाया है पिता, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद पिता, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, आदर मान महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना आपके चरणों में लाते हैं, इसे कबूल करे परमेश्वर पिता, सब मिलकर कहे आमेन, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना साथ मिलकर बोलेंगे, पवित्र मनाओ तुम्हारो राज्य जो आकाश माते पृथ्वी पर, तुम्हारी इच्छा पूरी था, दिवस ने हमारी रोटी आज हमने आप जेम हमें हमारा अपराधियों ने माफ करम तमें हमारा अपराध हमने माफ करो, ने परीक्षा में न लाओ, भंडाई थी हमारा छुटको करो, के राज्य था पराक्रम था महिमा सबका सुधी तुम्हारा है, आमीन। उस महान पिता परमेश्वर का असीम गहरा प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह फेवर, उसकी कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता, साथ और संगति सभी विश्वासियों के साथ जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं आज से लेकर हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन।